दिलीप कुमार, भारतीय सिनेमा का वो सुनहरा इतिहास जो अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, दिलीप कुमार यानी कि मोहम्मद यूसुफ खान, भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता। सदाबहार फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। दिलीप कुमार वो शख्सियत थे जिन्हें भारतीय फिल्मों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज भी मिल चुका है। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। जीवन तंगहाली में गुजरा, लेकिन जिंदगी में तो कुछ और ही करना था। जी हाँ, एक कैंटीन में काम करने के दौरान उन पर देविका रानी की पहली नजर पड़ी और फिर क्या था, फिर तो दिन ही बदल गए। दिलीप कुमार को अभिनेता बनाया गया। जी हाँ, देविका रानी ही वो शख्सियत थी जिन्होंने यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा। 25 साल की उम्र में दिलीप कुमार देश के सबसे बड़े अभिनेता के रूप में उभरे। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वारभाटा से की थी जो साल 1944 में आई। हालांकि पहली फिल्म सफल नहीं रही, उनकी पहली हिट फिल्म थी जुगनू। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को एक हिट कलाकार बना दिया। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया था और ये फिल्म भी एक बेहतरीन हिट हुई। दीदार 1951 और देवदास 1955 जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं को करने के बाद उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगले आजम ने तो जैसे कि उनकी फिल्मी करियर में एक नया मुकाम ला दिया। जी हाँ, उसके बाद राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा डबल रोल निभाया गया जो आज भी लोगों को याद है। 1970, 1980 और 1990 के दशक में भले ही उन्होंने कम फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में ऐसी थी जो आज भी याद है, जिनमें क्रांति 1981, विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जतदार 1990 और सौदागर 1991। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत थे जिनके नाम सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है और यही वजह है कि दिलीप कुमार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दिलीप कुमार को उनके पूरे जीवन में 8 फिल्मफेयर अवार्ड मिल चुके हैं। आपको बता दें कि 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है और देश भर में लोग उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि उन्हें एक सिनेमाई लेजेंड के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनका निधन हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। पूरी दुनिया से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन दिलीप कुमार अपने अभिनय के चलते हर किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय भारत टीवी की तरफ से भी दिलीप कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि।